गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास टेंथ के बच्चों का आपका पेपर पैटर्न देखेंगे। तो हम सारे सब्जेक्ट देंगे, इसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएससी, सारे सब्जेक्ट का हम पेपर पैटर्न देखेंगे, ब्लूप्रिंट देखेंगे। अब ये पेपर पैटर्न सैम्पल पेपर के बेस पे कि आपको कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन, कितने मार्क्स के आएंगे, कितनी चॉइसेस दी जाएंगी आपको, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको सिलेबस ऑलरेडी पता है, कितना क्या कट रहा है, कहाँ से कौन सा टॉपिक डिलीट है, वो सब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ। आप डिलीटेड सिलेबस या रिडक्शन सिलेबस आप देख सकते हैं, रिड्यूस सिलेबस देख सकते हैं, मेरे चैनल पे उन सब की वीडियो डाल रखी है। आज हम सैम्पल पेपर से जो आपका ब्लूप्रिंट निकला है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साइंस का देखते हैं। साइंस का 10th क्लास का है ये। आपका साइंस का पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन। क्वेश्चन टाइप दे रखे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क कितने क्वेश्चन के मार्क है और ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बता रखे हैं, चॉइस, टोटल मार्क्स। तो सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू टाइप है और असर्शन रीज़न है। सारे एमसीक्यू टाइप और असर्शन रीज़न 1 मार्क्स के हैं, यानी 16 एमसीक्यू हैं, 4 असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, टोटल 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। फिर है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके होते हैं VSA, वो आपके 2 मार्क के आएंगे और 6 क्वेश्चन आएंगे और इनमें 2 चॉइस होगी, यानी हर किसी 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी, 12 नंबर का आ जाएगा आपका ये। फिर शॉर्ट आंसर, यहाँ पे वेरी शॉर्ट था, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का आएगा, आपके 7 क्वेश्चन होंगे, यानी 7 3 14 आपके, यानी 21 मार्क्स का हो जाएगा। इसमें भी किन्हीं 2 क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी, यानी 7 क्वेश्चन लगातार दिए गए आपको, उनमें से किसी 2 में चॉइस दे दी गई और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ये बताया गया। फिर लॉन्ग आंसर, आप में लॉन्ग आंसर 5 नंबर का, यानी 1 क्वेश्चन 5 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 3 होंगे और 3 क्वेश्चन में से किसी 2 में चॉइस दे रखी होगी, 1 में चॉइस, यानी 1 को आपको पूरा करना ही होगा। फिर सेक्शन ई, और ये आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन ई आपका केस बेस्ड होगा, 4 मार्क का 1 केस बेस्ड होगा और 3 केस बेस्ड होंगे और हर में आपको चॉइस देगी, यानी 1 करो या दूसरा करो, फिर 1 करो या दूसरा करो, फिर 1 करो या दूसरा करो, ऐसा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे देख लें आप, 20 + 12 + 21 + 15 + 12 = 80 मार्क्स का ही आपका टोटल पेपर बन जाएगा। 39 टोटल क्वेश्चन होंगे और 7 चॉइसेस दी जाएंगी आपको। फिर 3 घंटे का ही आपका पेपर है। अब हम SST का देख लेते हैं एक बार, SST का क्लास 10th का देख लेते हैं। तो SST में आपके 6 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ। क्वेश्चन टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन मार्क ऑफ क्वेश्चन वही रहेगा, चॉइस वगैरह वही रहेगी, यानी यहाँ पे बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में और क्वेश्चन मार्क में थोड़ा चेंजेस है। आपका MCQ टाइप और असर्शन रीज़न 1 मार्क का ही आएगा, पर इसमें MCQ 19 होंगे और असर्शन रीज़न 1 होगा, यानी 20 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 और 20 मार्क्स, यानी 1 1 नंबर का। फिर वेरी शॉर्ट आंसर आपके 2 मार्क के होंगे और 4 क्वेश्चन होंगे, यानी 8 मार्क्स का हो जाएगा और एक किसी एक में चॉइस दी जाएगी। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 3 मार्क का होगा और 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 15 टोटल मार्क्स रहेंगे और ये इस किसी एक में चॉइस दी जाएगी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 5 नंबर का होगा और क्वेश्चन 4 होंगे, यानी 20 मार्क्स का हो जाएगा और किन्हीं 4 में चॉइस दी जाएगी, यानी लॉन्ग आंसर आपके चारों में चॉइस दी जाएगी, ये बताया गया। फिर केस बेस्ड आपका आ जाएगा, 4 मार्क का आ जाएगा, 3 क्वेश्चन होंगे और किसी एक में इंटरनल चॉइस होगी, यानी तीन आपके केस बेस्ड होंगे और किसी एक में इंटरनल चॉइस होगी और ये आपका 12 मार्क्स का हो जाएगा, 4 3 12। मैप स्किल, यानी मैप आपका 2 नंबर आपका हिस्ट्री से आएगा और 3 नंबर आपका ज्योग्राफी का आएगा, यानी हिस्ट्री से 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और ज्योग्राफी से 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 2 होंगे और मार्क्स आपके 5, इसमें कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 38 हो जाएंगे और चॉइसेस 7 हो जाएंगे और टोटल मार्क्स आपका 80 का पेपर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम मैथ्स बेसिक या स्टैंडर्ड का, दोनों का सेम ही पैटर्न है बट क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। बेसिक में बहुत इजी ही आएगा और
मतलब बहुत इजी नहीं रहेगा, बेसिक लेवल पे होगा, और स्टैंडर्ड में उसे अल्ट्रा हाई, थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट का रिलेटेड रिलेशन जो होगा वो हाई हो जाएगा बस। स्टैंडर्ड का हार्ड होगा, बेसिक का थोड़ा, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। इसमें भी पांच ही सेक्शन होंगे, एमसीक्यू सेशन, शॉर्ट आंसर फर्स्ट, शॉर्ट आंसर सेकंड, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब एमसीक्यू यहाँ पे 18 एमसीक्यू होंगे और 2 सेशन रीजन होंगे, टोटल 20 मार्क्स का, हर मार्क, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, 20 मार्क्स रहेंगे। शॉर्ट आंसर फर्स्ट में आपका क्या होगा, इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे यानी 10 नंबर के, और किन्हीं 2 में चॉइस रहेगी यानी 10 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 में चॉइस दी जाएगी। शॉर्ट आंसर सेकंड में 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के यानी 18 हो जाएंगे, और किन्हीं 2 में चॉइस दी जाएगी। लॉन्ग आंसर 5 होंगे, लॉन्ग आंसर सॉरी 4 होंगे और किन्हीं 2 में चॉइस दी जाएगी और 5 नंबर के होंगे, तो ये 20 मार्क्स हो जाएगा। केस बेस्ड भी आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होंगे और किसी एक में इंटरनल चॉइस दी जाएगी 12 नंबर का, टोटल आपका 80 मार्क्स का रहेगा, 38 क्वेश्चन। इंग्लिश में आपका यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस, आप यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा चेंजेस आया, रीडिंग आपका आ जाएगा, दो क्वेश्चन आएंगे रीडिंग में, 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक पैसेज और एक आपका पोएम टाइप होती है, अनसीन पोएम होती है उसे टाइप का होगा, और यहाँ पे 5-5 मार्क्स के दोनों होंगे, सॉरी 10-10 मार्क्स के दोनों होंगे, तो टोटल 20 हो जाएगा। ग्रामर आपकी 12 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के होंगे और 2 किन्हीं 2 में चॉइस रहेगी, यानी आपको 12 क्वेश्चन दे देंगे पर किन्हीं आपको कोई 10 ही करने होंगे, तो 10 मार्क्स का आ जाएगा ये। फिर क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग में जस्ट लाइक आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आप क्या नॉलेज रखते हैं वो सब आप सैम्पल पेपर में देखेंगे। तो क्रिएटिव राइटिंग इस बार ये नहीं कि डायरेक्ट पत्र दिया है तो पत्र लिख दो, आपको अलग से कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग दिया जाएगा, आपको वो लिखना होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 2 होंगे और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स हो जाएंगे, और दोनों में ही चॉइस दी जाएगी यानी एक क्वेश्चन दिया फिर उसकी चॉइस, फिर एक क्वेश्चन दिया उसकी चॉइस, और दोनों 5-5 मार्क्स के यानी 10 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। लिटरेचर आपका अकेला 40 मार्क्स का आएगा, इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड रहेंगे यानी दो एक्सट्रैक्ट दे जाएंगे 5-5 मार्क्स के, 10 मार्क्स हो जाएगा, और दोनों में ही यानी इसमें भी ऐसा है, एक एक्सट्रैक्ट दिया और एक एक्सट्रैक्ट दिया, दोनों में से कोई एक करिए 5 नंबर का है, फिर दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया और दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया, दोनों में से कोई एक करिए 5 नंबर का, ऐसे हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के, 12 नंबर हो जाएगा, एक नहीं एक में चॉइस दी जाएगी। शॉर्ट आंसर 2 में आपका 2 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स हो गया टोटल, और किसी एक में चॉइस दी जाएगी। लॉन्ग आंसर 2 होंगे, 6 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी एक में चॉइस दी जाएगी, और लॉन्ग आंसर 2 होंगे, कोई एक करना है। फिर लॉन्ग आंसर 2 में भी 2 होंगे, कोई एक करना है, 6 मार्क्स का होगा और आपको 6 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पे 80 मार्क्स टोटल हो जाएगा, 28 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 10 इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे सब्जेक्ट का जो भी आपका ये पेपर पैटर्न था कि पेपर किस हिसाब से आएगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको एक आइडिया लग गया, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, अपना सिलेबस को ध्यान में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और हम आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प करेंगे जैसी आपकी डिमांड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय गाइस।